पीछे सब लोग घूम रहे हैं, हाथ जोड़ लो। उधर सब लोग देखिए, इश्क का रंग सफेद जो सीरियल है इसमें इतने षड्यंत्र हैं, इतनी इसके लेयर्स हैं, इतनी घटनाएं होती हैं, हर एपिसोड में एक अलग टेबल होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सीरियल। नहीं तो 100-200 एपिसोड में इतनी प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी इज्जत जो मिल रही है, लेकिन इसमें यह है कि एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस की गई है, हमारे फैमिली में आई है, डीटी परिवार में आई है, एक नई फैमिली है। अब नई फैमिली आई है उसमें एक मोमेंट ऐसा आता है कि जो राजा है, जो कैरेक्टर राजा है, उसने वो धानी को जानता है, जो उसका नाम असली नाम सुमन जानता है, और वो उसको पहचान लेता है। और साथ में उसकी माँ भी है, उसका भाई जो है पहले कभी धानी का हस्बैंड हुआ करता था, जिसको कोई ऐसे हालात हुए कि वो मर गया, वो तभी वो विधवा हुई और विधवाश्रम में गई। अब इसमें जो हमारा पोता है विप्लव, उसने भांग खा ली, गलती से भांग खा ली है। अब वो किस तरह से
उसके दिल की बात जबान पे आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है एंड बड़ा मज़ा आ रहा है करने में। और दादाजी उसको लेके जाते हैं, आरती होती है, मैं उनको विप्लव को लेके जाता हूँ अंदर, लेकिन वो किसी और जोन में है तो उसकी खूबसूरती कुछ और। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि फैंस आपको सराह रहे हैं, तो फैंस के बारे में कुछ बोलना क्या जी? फैंस आपके सीरियल को सराह रहे हैं, तो उन फैंस को कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, फैंस जो है ना, कलाकारों के लिए, क्रिएटिव्स के लिए, जो भी भांति भांति प्रकार के होते हैं, या पेंटर होता है, या फिर कलाकार होता है, या सिंगर होता है, या म्यूजिक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, किसी भी तरह का, फैंस एक माँ के समान होते हैं। फैंस जब बंदे लो होते हैं, क्रिएटिव्स लो होते हैं, तो उनको लोनेस में से निकाल लेता है। फैंस एक ऐसी चीज़ है कि वो उसमें भगवान होता है, गॉड पार्टिकल होता है। वो टूटे हुए कलाकार को जोड़ भी देते हैं, उसके पुरानी जो गुडविल है उनके दिल में होती है, फैंस जो है उनको जोड़ भी देते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फैंस। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई फैंस। हमारे सीनियर्स जो थे वो सदा फैंस की बहुत इज्जत करते थे। दिलीप कुमार साहब, अशोक कुमार जी, देव साहब, राज कपूर साहब, हमारी प्रथा वही है। जो फैंस हैं, जो हमको इज्जत देते हैं, हम उनको मान देते हैं, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। सर, जैसे कि सीन में पूरा फुल फैमिली है सर, न्यू फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बोल चुका हूँ आपसे, कह चुका हूँ कि उसमें एक राजा है, राजा की माँ है। माँ पहले जो धानी, हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है धानी की मदर इन लॉ थी, यू नो। तो ये सारा अभी मज़ा आ रहा है। तो सर, फैमिली इंक्रीज हो गई तो इससे कुछ टेंशन या कुछ? बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन अभी आने वाली है, टेंशन शुरू हो गई है। क्या है कि टेंशन, क्रिएटिव टेंशन जो है वो आती है तो लोग उसको पसंद करते हैं, तभी वो जो लोग उसको देखना पसंद करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। दैट्स द ब्यूटी। सर, इनके साथ अभी काम करने में क्या जी? देखिए, मैं तो फिल्म फार्म जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसमें पिंटू जी हैं प्रोड्यूसर, और साथ में रूपाली जी हैं हस्बैंड वाइफ, दे आर वंडरफुल पीपल। और इनकी खूबसूरती ये है कि ये अपने यूनिट का बहुत ख्याल करते हैं, इसी लाइन में सीधे जाओ। और जो हमको रोल दिया गया है, वो इतना अच्छा रोल दिया गया है, मैं जून से यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च महीना, दसवां महीना चल रहा है। और रोल बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करने का, लेकिन हमारे राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, राइटर्स बहुत अच्छे हैं, और इसका जो भावताव मिल रहा है, दैट्स द ब्यूटीफुल। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, द माय प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर्स, माय को एक्टर्स, दे आर रियली वेरी गुड, थैंक यू। फैंस आप, ऑडियंस, फैंस, मुस्कुराते रहिएगा। आपका अति धन्यवादी हूँ कि आप हमको दुआ देती हो बिल्कुल माँ की तरह। लव यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस, रब राखा। थोड़ा पीछे ले, पीछे ले, सब पिछाने वालों में। अपना काम कर। मुझे पता है ना कि ये सब पीछा कर रहा हूँ, मैंने देख लिया ये सब। अभी हुआ? हाँ। क्या अभी फर्स्ट टाइम? चलो पूरा फिल क्लियर है, पूरा चलो फिल क्लियर।
आओ भाई लोगों। Action! Oh!